गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एनबीएस। कल हमने संस्कृत का लेसन एट त्वम किम करो, तुम कद त्वम कदा किम करो से, तुम कब क्या करते हो के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी अभ्यास पत्रिका को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए ये आपकी घड़ी बनी हुई है। हाँ जी, यहाँ टल पे आते ही दोनों कितने बज गए, द्वादश वादन। इसे वादनम कहते हैं। इसे जब तीन पे घड़ी आ जाए इसे सपात कहते हैं। छह पे बड़ी घड़ी हो तो, बड़ी सुई हो तो सार्ध कहते हैं, जिसे हम साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पांच कहते हैं। और नौ पे बड़ी सुई हो तो हम इसे पादोन कहते हैं। कि पौने छह है, 5:45 को पौने छह, 6:15 है, इसे कहा जाता है। तो देखिए तो दोनों घड़ी, दोनों सुई किस पर है, 12 पर तो होंगे द्वादश वादनम। इसमें 2:30 हैं तो इसे संस्कृत में कहेंगे सार्ध द्विवादनम। 8:15 को सपाद अष्टवादनम, सपाद एक वादनम, 6:15 को पादोन षड्वादनम, 1:15 को पादोन एक वादनम। आगे देखिए, उचित पदाने रिक्त स्थानों पूरे, उचित पद को रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। प्रातः पंचवादने सुबह 5:00 उठाए उठकर स्वयं पितामह अपने दादाजी के प्रणाम में प्रणाम करके अहम व्यायाम करिष्यामि, मैं व्यायाम करता हूँ। ततः दिने नाट्यशाला गत्वा, उसके बाद दिन में नाटकशाला में जाकर, नाटकशाला में जाकर नाटक दृष्टवा, नाटक देखकर गृहम आगत्य, घर आकर अहम पितामही सह भोजनम करिष्यामि, मैं दादाजी के साथ भोजन करता हूँ। हाँ और ना का आंसर देना, यस या नो का, रॉन्ग राइट। छात्र परस्परम कलहम करंती, छात्र आपस में कलह करते हैं, ना नहीं। अंकुर से पिता में प्राचीन कथा श्रावे थी, अंकुर के जो दादाजी उनसे पुरानी कहानियां सुनाते हैं। कौन सी, रामायण, महाभारत और मुगल शासकों की। सुवेद से माता मही मधुरम गायती, सुवेद की दादी मधुर गाती है, ना। स्वर प्रातः पंचवाद में उत्तिष्ठ नहीं, स्वर की सुबह 5:30 उठता है, हाँ। प्रवह कला कक्षा में गच्छती, जो प्रवह है कला कक्षा में जाता है, नहीं। वह कौन सी कक्षा में जाता है, संगीत कक्षा में जाता है। अब पूर्ण वाक्य उत्तर, छात्रा पर्यटनार्थम कुत्र गतता, छात्रा पर्यटनार्थम जयपुर नगरम गता, छात्र जो है घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, जयपुर नगर। छात्रा कति वादने दुर्गम दृष्टुम गमिष्यन्ति, छात्र जो है कितने बजे दुर्ग देखने जाएंगे, किला देखने जाएंगे। छात्र कितने बजे किला देखने जाएंगे, 7:00 छात्र जो है 7:00 जो है किला देखने जाएंगे। मनोज्ञ कदा अधीनम करोति, मनोज्ञ जो है कब अध्ययन करता है, मनोज्ञ सायं 5:00, शाम को 5:00 से 7:30 तुम 7:30 तक जो है अध्ययन करता है। सुवेद से माता मही का श्रावती, सुवेद की जो नानी है उसे क्या सुनाती है, लोक कथा सुनाती है। प्रवर से रुचि कस्मिन अस्ति, प्रवर की रुचि किसमें है, संगीत में। अब इन पदों को लेते हुए हमें इस फिलप्स फिल करना है। पाप मित्रम यदा कदा पाप ग्रह आगच्छति, मेरे मित्र कभी कभी मेरे घर आता है। कोलाहलम मा कुर्वन्तु, शोर मत करो, अध्ययनात अनंतरम खेलितुम गच, अध्ययन के बाद खेलने के लिए जाओ। मेघा गर्जन्ति अचिरम एव वर्षन्ति, बादल गरजते हैं और शीघ्र ही वर्षा करते हैं। प्रथम स्नान है ततः भोजन, पहले स्नान उसके बाद भोजन। त्वं कदा मया सह खेलिष्यसि, तुम कब मेरे साथ खेलोगे। अब इसमें लकार परिवर्तन करना है, जहां अंडरलाइन है उसका लकार परिवर्तन करना है। छात्र गीत
गाते हैं। अब इसको लिट लगा, ये वर्तमान काल है, इसको भविष्य काल में बताना है तो हो जाएगा गाष्यन्ति, गाएंगे, छात्र गीत गाएंगे। त्वं किं खेलसि, तुम क्या खेलते हो, इसको भी लिट लगा में, तुम क्या खेलोगे, त्वं किं खेलिष्यसि। वयं प्रतिदिनं अष्टवादने प्रातराशं कुर्मः, हम सब प्रतिदिन 8 बजे नाश्ता करते हैं। लोट लकार में करवा, हम सब प्रतिदिन अष्टवाद में प्रातराशन करवा। सैनिकादेशम रक्षन, सैनिक जो है देश की रक्षा करें, इसको लट लकार में सैनिकादेशम रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। सह दूरदर्शनम पश्यति, वह दूरदर्शन टीवी को देखता है, देखिए लोट लकार देखना, देखिए आगे दे रहा है, सह दूरदर्शनम पश्यति, लोट लकार में हो गया। संस्कृत अनुवाद, मेरे पिता प्रातः 5 बजे उठते हैं, मम पिता प्रातः 5 बजे तिष्ठति, दादाजी 8:30 बजे नाश्ता करते हैं, पिता माँ 10:30 बजे प्रातः राशन करोती, मैं साय शाम को 6:45 बजे क्रिकेट खेलता हूँ, अहम सायं पादों 6:30 बजे क्रिकेटम खेला मैं, तुम मेरे घर कल 5:15 बजे आना, त्वं स्वैस पाद 5 बजे मम घर गृहम आगच्छ, अभी 10 बजे है, इदानीं 10 बजनम अस्ति। अब इसके हम अभ्यास पत्रिका देखेंगे, ये आपकी बुक के अंदर है सभी, पंच परिहास पे अंतम दशमी हमने लेसन में सब वर्ड पढ़े हैं, ये आपको उसको ढूंढना है और करना है, संधि विच्छेद या संधि करना है। अहम प्रातः, अहम प्लस प्रातः, मैं सुबह, विद्यालय प्लस आले विद्यालय, भोजनम प्लस करूंगी भोजनम करूंगी, कस्य प्लस अपि कस्यापि, किम पश्यसि किम पश्यसि, प्रयत्नार्थम प्रयत्न प्लस अर्थ, पदानाम धातु प्रत्यय च लिखित, कृत्वा क्रि प्लस कृत्वा, दृष्ट्वा दृष् प्लस कत्वा, स्मृत्वा स्मृ प्लस कत्वा, मिलित्वा मिल प्लस कत्वा, लेखितुम लिख प्लस दुमुन, आगम प्लस लेप, प्रणम प्लस लेप, गम प्लस दुमुन गंतुम, इसमें ये वर्ड यूज करने हैं। अद्य वयम गीतम गातुम वांछमे, आज हम सब गीत गाना चाहते हैं। किम तुम प्रश्न प्रष्टुं वांछसि, क्या तुम प्रश्न पूछना चाहते हो, सह संग्रहालय तिष्ठुं वांछसि, वह संग्रहालय देखना चाहता है। किम तुम मित्रेण सह गन्तुं इच्छसि, क्या तुम मित्र के साथ जाना चाहते हो, अहम प्रतिदिन विषय सॉरी अहम परीक्षा विषय कथितुं वांछसि, मैं परीक्षा के विषय में कहना चाहता। देखिए अब इसमें जो है संवाद है, संवाद के अनुसार राघव, अद्य मम मित्राणि गृहम आगमिष्यन्ति, आज मेरे माता घर आएगी, आज मेरे मित्र घर आएंगे, मित्राणि है माता नहीं, माता शोभनम, अच्छा किम ते भोजनम करिष्यन्ति, क्या वे सब भोजन करेंगे, राघव नहीं, ते केवलम अल्पहारम करिष्यन्ति, नहीं वे तो केवल नाश्ता करेंगे, माता अल्पहारात अनंतरम किम यूयम खेलिष्यति, नाश्ते के बाद क्या तुम सब खेलोगे, राघव वयम मिलित्वा संस्कृत परियोजनाया कार्यम करिष्यामि, हम सब मिलकर संस्कृत परियोजना यानी प्रोजेक्ट जो है उस पर कार्य करेंगे। ये इसको लिखते हुए हमने इसका प्रयोग करते हुए संवाद फिल किया है। अब देखिए इसमें है पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरु, वाक्यों का प्रयोग करना है, आगमिष्यसि उत्तिष्ठतु गच्छामि अल्पन्ति करोषि भवन्तु, ये सारे वर्ड आपके जो है यूज किए हुए हैं बुक के अंदर है, आपको इनका सेंटेंस बनाना है, इनको वाक्यों को लेते हुए एक सेंटेंस बनाना है, इन पर पदों को लेते हुए एक वाक्य बनाना है, वो आप घर पे रह के इसे बनाइए, नहीं समझ आता है मैं फिर से आपको समझाऊंगा, तो बच्चों ये घर पे रह के आपको ये वर्क खुद करना है।
थैंक यू।